नमस्कार। गुड्डी की पोटली YouTube में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं YouTube पर गुड्डी की पोटली। कॉलर वाली बेबी फ्रॉक 1 से लेकर 2 साल तक की बेबी गर्ल का ये वीडियो नंबर 9 है। इस वीडियो में हम बाजू बनाएंगे। आइए हम बाजू बनाना शुरू करते हैं। एक बाजू मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर रखी है। एक बाजू मैं आपके सामने बनाऊंगी, तो आइए हम दूसरी बाजू बनाना शुरू करते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए हमने जैसे फ्रॉक में और कॉलर में फंदे डाले थे सिलाई और क्रोशे की मदद से, वैसे फंदे डालने के बाद 2 सिलाई सफ़ेद रंग से, 2 ब्राउन कलर से, 2 फिर सफ़ेद रंग से, 2 ब्राउन कलर से और 2 सफ़ेद रंग से 39 फंदे डालकर मैंने बॉर्डर बना लिया है। फंदे मैं आपके सामने गिन देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 का डबल 38 और 1 39। अब हम इसके ऊपर फंदे बढ़ाएंगे। ये सारी सिलाई मैं आपके सामने बनाऊंगी। जिस तरीके से हम फंदे बनाएंगे, बढ़ाएंगे, एक भी फंदा आगे पीछे कम या ज़्यादा नहीं होगा। पहले हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 4 फंदे बनाने के बाद 5वें फंदे पर हम 1 फंदा बढ़ाएंगे। यानी फंदे बढ़ाने के इस ओर हमारे पास 4 फंदे हैं। जब हम इधर फंदे बढ़ाएंगे तो भी हमारे पास फंदा बढ़ाने के बाद इस ओर 4 फंदे आएंगे। इसके बाद 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें फंदे के हम 2 फंदे बनाएंगे, 1 आगे से और 1 हम पीछे से। यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया है 2 4 6 8 और 1 9। फिर से 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये फंदा बढ़ाया 2 4 6 8 और 1 9। 10वें फंदे के ऊपर हम फिर से 2 फंदे बनाएंगे, 1 फंदा बढ़ा लेंगे। फिर से 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने 2 फंदों का 1 फंदे के 2 फंदे बनाए, फिर 9 फंदे, 1 2 3 4 2 8 और 1 9 और 10वें फंदे का हम फिर से 2 फंदे बनाएंगे। तो इस ओर भी हमारे पास 4 फंदे आ गए। 4 फंदे के बाद 1 फंदा बढ़ाया है। इस ओर भी हमने 4 फंदों के बाद 1 फंदा बढ़ाया है। आप इस तरीके से फंदे बढ़ाएंगे तो बाजू की शेप बहुत सुंदर बनकर आती है। इसके ऊपर अब हम 9 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। जब 10 सिलाई बन जाएंगी तो उसके बाद हम 8 बार 1 फंदा इधर से, 1 फंदा इधर से, फिर 10 सिलाई सीधी, फिर 1 फंदा इधर से, 1 फंदा उधर से बढ़ाते हुए हम 8 बार फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले मैं 9 सिलाई और बना लूं, फिर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। 10 सिलाई हमने बना ली है। यहाँ पर हमने 4 फंदे बढ़ाए थे। उसके बाद 10 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बना ली है, जिसमें 5 सरी बनी है। 1 2 3 4 5 इतना बनाने के बाद हम दोनों ओर से अपने 1 1 फंदे को बढ़ाएंगे। 1 फंदा आगे से बढ़ा लेंगे और 1 फंदा हम पीछे से बढ़ा लेंगे और बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले ये सारी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। सिर्फ आखिर का एक फंदा नहीं बनाएंगे, इस पर हम दो फंदे बनाएंगे। तो पहले मैं ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। सारी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। इस ओर के भी फंदे के हम दो फंदे बना लेंगे। इसके ऊपर हम 9 सिलाई बिल्कुल सीधी बनाएंगे तो टोटल 10 सिलाई बन जाएंगी, जिससे फिर से ये एक सरी बनेगी। इसी तरह से हर 10 सिलाई बनाने के बाद हम दोनों ओर से एक एक फंदा 8 बार बढ़ाएंगे। एक बार मैंने बढ़ा लिया है, 7 बार और बढ़ाएंगे। तो पहले मैं ये सारी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी बाजू की लंबाई कंप्लीट कर ली है। 5-5 सिलाई के बाद हमने 8 बार फंदा बढ़ाया है। 1 2 3 4 5 इसी तरह 5 बाजू में 10 सिलाई बनकर आई। इसी तरह हर 10 बाजू 10 सिलाई के बाद और 5 सरी बनने के बाद हमने 8 बार फंदा बढ़ा लिया है। और इतना बनने में टोटल सिलाई हमारी 90 बनी है, जिसमें ये 45 सरी बनकर आई हैं। एक बार मैं आपके सामने गिन देती हूँ। ये मैं आपके सामने गिन रही हूँ। यहाँ तक हमारा बॉर्डर है, इसके ऊपर की हम सिलाई गिनेंगे। 45 सरी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 इतना बनने में हमारी बाजू की जो लंबाई बनकर तैयार हुई है वो मैं आपके सामने एक बार। यहाँ तक 9 इंच लंबा है, इसके ऊपर हम इसकी कटाई करेंगे। लेकिन कटाई करने से पहले मैं एक बार आपको इसके फंदों के बारे में बता देती हूँ। हमने जो सिलाई पर फंदे डाले थे वो 38 फंदे और एक फंदा 39 फंदे डाले थे, जिसमें हमने बॉर्डर के बाद जो फंदे बढ़ाए वो 4 थे। तो टोटल फंदे हमारे पास 43 हो गए। उसके बाद हमने 8 बार दोनों ओर से फंदे बढ़ाए तो टोटल फंदे 16 हो गए। 43 और 16 59, यानी कि 29 जोड़ और एक फंदा। मैं 29 जोड़ आपके सामने एक बार गिन देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और एक फंदा हमारा ज़्यादा है। एक भी फंदा कम या ज़्यादा नहीं होगा अगर आप शुरू से ही इसको गिनकर बनाएंगे। अब हम फंदे की कटाई करेंगे। कैसे करेंगे? 2 फंदे बनाने के बाद पीछे वाला फंदा हम पलट लेंगे। 1 2 3 4 फंदे बंद करने के बाद अब हम सारी की सारी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। तो पहले मैं ये सारी सिलाई सीधी सीधी बना लेती हूँ, फिर हम दूसरी ओर से कंधे की कटाई करेंगे। ये सिलाई हमने सारी सीधी सीधी कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड से हम फंदे बंद करेंगे। इस ओर से भी हम 4 फंदे बंद करेंगे। फंदे हम पहले की तरह ही बंद करेंगे। पीछे का फंदा पलट देंगे, एक फंदा बना लेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे बनाने के बाद हम सारी की सारी सिलाई इसी तरह से सीधी सीधी बनाएंगे। तो पहले मैं सारी सिलाई सीधी बना लूं, फिर हम दूसरी ओर से फिर से कटाई करेंगे। ये सिलाई भी हमने सारी कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड फिर से आ गए हैं। सीधी साइड हम फिर से 4 फंदे बंद करेंगे। एक फंदा पलट दिया, एक फंदा बना लेंगे, 2 3 4। 4 फंदे बनाने के बाद सारी सिलाई सीधी बनाएंगे, फिर हम इस ओर से 4 फंदे घटाएंगे। इसी तरह से हमको 5 बार फंदे कम करने हैं। तो पहले मैं 5 बार फंदे कम कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। 4 फंदे 5 बार हमने दोनों ओर से कम कर लिए हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 फंदे 20 फंदे दोनों ओर से कम किए हैं। देखिए हमने दोनों ओर से 4 फंदे 5 बार कम किए हैं। एक ओर से 20 फंदे हो गए, दूसरी ओर से भी 20 फंदे हो गए। 59 स्टिचेस में से अगर हम 40 माइनस करते हैं तो हमारे पास सिलाई पर 19 स्टिचेस होने चाहिए। मैं एक बार आपके सामने गिन देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डबल 18 और 1 19, और इतनी पूरी बाजू कंप्लीट करने में इसकी जो लंबाई बनकर आई है, पूरी 10 इंच इसकी लंबाई बनी है। अब हम सारे फंदे जैसे हमने पहले फंदे बंद किए थे वैसे सारे फंदे पहले हम बंद कर देंगे। तो पहले मैं ये सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। पूरी बाजू बनकर तैयार है, इसको हम काट देंगे। बाजू की शेप देखिए कितनी सुंदर बनकर आई है। यहाँ तक हमने अपनी पूरी फ्रॉक कंप्लीट कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सिलाई करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।